चाहे 84 में सरदारों का हुआ, चाहे गुजरात में मुसलमानों का हुआ, एक वक्त मीडिया सब दिखाता था, मगर आज का मीडिया क्या बोलता है? अगर मीडिया बात करता तो स्टैम स्वामी जेल में 80 साल का आदमी नहीं मरता। अगर मीडिया बात करता तो वो देखता इस वक्त जम्मू कश्मीर एक छावनी बना है फौज की, चप्पे चप्पे पे फौज। हमें फौज से कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर हम कहते हैं इनको जो काम करना था कर चुके। अगर आप कहते हो बीजेपी वालों जम्मू के कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं, तो फौज को आहिस्ता आहिस्ता बारकों में वापस भेज दो, एसपा को खत्म करो। अगर आप कहते हो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, आप तो उल्टा कर रहे हो, आप तो और फौज ला रहे हो, आप तो यहाँ के लोगों को हाथ में हथियार दे रहे हो। ये कैसे चलेगा? ये कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो? ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिस हिंदुस्तान का ख्वाब मुफ्ती साहब बार बार जिसकी जिक्र करते थे, जिसकी बात करते थे, उनका चेहरा खिल उठता था। बहुत से लोग कहते हैं अगर मुफ्ती साहब होते तो वो क्या करते, अगर मुफ्ती साहब होते तो उनका दिल टूट जाता। ये उनका हिंदुस्तान नहीं है आज जो बीजेपी हिंदुस्तान बना रही है, ये गोडसे का हिंदुस्तान है। हमने इसके साथ हाथ नहीं मिलाया है, हमने उस हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है जो गांधी का हिंदुस्तान था, जो नेहरू का हिंदुस्तान था, जो अबू कलाम आजाद का हिंदुस्तान था। इसलिए मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ ही जुल्म नहीं, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं। लोगों पे जुल्म है, नौजवानों की पकड़ पकड़ है, रोज छापे मारे जाते हैं, मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है। मगर एक बात मैं अपने वर्करों से भी ऐसा मानू, कुछ भी करो हिम्मत नहीं हारना। मुफ्ती साहब अगर होते तो हिम्मत कभी नहीं हारते। मैं अपने वर्करों को कहना चाहती हूँ हिम्मत को मेरी जरूर 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 हिम्मत मोहरू कैज तुझे ते मिस क्राइडस पद पद लगमें ये पांचहन वरियन स्ट्रगल कर त्रेन वरियन उस चीफ मिनिस्टर मगर तिमन त्रेन वरियन मस टास फोर्स क्या पोटा क्या वत क्या कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी क्या मसले कश्मीर पर कत बात क्या चीज का रोल दे।